क्या बता रहा हूं आपको, टाइप्स ऑफ एक, ठीक है, या क्लासिफिकेशन ऑफ एक। मतलब अगर आपको आगे कहानी समझना है तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि वास्तव में माइक्रोलेसिथल एक क्या होता है, मेगालेसिथल एक क्या होता है, मीजोलेसिथल एक क्या होता है, बोलो सेंट्रोलेसिथल एक क्या होता है। अलग अलग बेसिस पे क्लासिफिकेशन को जानना पड़ेगा और ये हमारा पढ़ना दो जगह फायदेमंद है। एक तो यहाँ तो है ही है, उसके अलावा जो हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं, एक यूनिट होती है एनिमल किंगडम, बोलो, जिसके अंदर हम प्रोटोजोआ से लगाकर मैमल्स तक पढ़ते हैं। और बोलो पढ़ते ही नहीं पढ़ते हैं, जंतु जगत नाम सुना नहीं सुना कभी, पूरा एक टॉपिक है अपना जिससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ हम जो चीज सीख रहे हैं वो हमारे वहां पर काम आती है, बोलो बात समझ रहे हो ना। ओके, तो टाइप्स ऑफ एक के अंदर तीन कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहला क्या होगा, योक की मात्रा, ठीक है, के आधार पर, ठीक है, यानी पहला पढ़ेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, अमाउंट ऑफ योक, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ेंगे, योक के वितरण के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, ठीक है। और तीसरा है कवच की, आपसे मैं कहूं, उपस्थिति या अनुपस्थिति, ठीक है, के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल। बोलो बात समझ में, जब पढ़ाऊंगा तो अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस या, ठीक है, एब्सेंस, ठीक है, प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ सेल, ठीक है। बात समझ में आए, बोलो, कवच की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर, ठीक है। ये तीनों अपने को पढ़ना है, बेस बनाया मैंने आपको कि भाई 1, 2 और 3। सबसे पहला मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं योक की मात्रा के आधार पर, ठीक है। इस बेसिस पर एक चार टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, चार टाइप के, समझो। नंबर वन, पहला ए लेसिथल एक, ठीक है। दूसरा माइक्रो लेसिथल एक, ठीक है। तीसरा मीजो लेसिथल एक, चौथा मेगा लेसिथल या मेगा लेसिथल को मेगा लेसिथल एक, इसी का दूसरा नाम होता है मैक्रो लेसिथल, इसी का नाम होता है पोली लेसिथल, ठीक है। कोई भी नाम लिखा हुआ एक ही बात है। अब वापस समझो, मैंने कहा हिंदी में इसको बोलते हैं की अड्डा, ठीक है। क्या बता रहा हूं, समझ में आया, जमाना नहीं है, जमाना किसका है, एलेसिथल का। मैंने पहले इंग्लिश क्यों लिखा, समझ में आया, मीडियम आपका हिंदी हो या इंग्लिश हो, मैं बार बार कहता हूं कंपटीशन में वो ध्यान रखना है जिससे आपका गलत नहीं हो, क्लियर। इधर देना पितकी, ठीक है, ओके, सूक्ष्म पितकी, ठीक है, अंडा, मध्यम पितकी,
अतिपित की अंडा, ठीक है। और समझे नहीं समझे बोलो, जबकि आजकल कैसा लिखा हुआ आता है, मेगा लेसिथल, हिंदी में भी ऐसे ही आता है। बोलो बास पोली लेसिथल, बोलो ये अतिपित की नहीं आता है। फिर भी मैंने लिखा इसलिए कि अगर आपने बचपन में किसी ने ऐसा पढ़ा हो तो कनेक्टिविटी हो जाए कि हाँ यार वो जो चीज है नहीं है, जो चीज एक ही बात है। बोलो बात समझ में आए, इधर ध्यान दो। ऊपर बेस लिखा हुआ है, नाम मैंने बता दिए आपको, मीनिंग तो वैसे ही पता चल गया। ए लेसिथल मतलब यॉर्क एब्सेंट, ठीक है। बोलो आपसे मैं कहूं यॉर्क एब्सेंट। माइक्रो, माइक्रो का मतलब कम होता है कि ज्यादा होता है, कम। बोलो आपसे मेरे को यॉर्क कम मात्रा में, लेस अमाउंट में। मेजो लेसिथल मध्यम पित्त की, बोलो यॉर्क मध्यम मात्रा में, मीडियम अमाउंट में। बोलो अति पित्त की यॉर्क अत्यधिक, ठीक है, अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में। फिर किसी के दिमाग में आता है सर ये योग है क्या, अंडे के अंदर का माल मसाला क्या है। बोलो लाइफ में कभी अंडा तोड़ने का नसीब मिला आपको? नहीं, कोई बात, मैंने भी नहीं तोड़ा, लेकिन देखा तो होगा, अरे टीवी में कभी, नहीं तो कोई भी अंडे की दुकान पर जाके खड़े हो जाना, आपके क्या है, देखना ही तो है। और समझे समझे बोलो, और अंदर माल मसाला निकलता ही नहीं निकलता, पीला पीला, वही क्या है, योक है। आई बात समझ में? और हाँ के ना, अच्छा अब हमें क्या पता होना चाहिए, पहले बताओ इतने से मीनिंग तो पता चल गया। एग्जाम्पल, ऐसा एक किस में होता है, मैंने लिखा यू थीरिया, किस में लिखा मैंने यू थीरिया, ये यू थीरिया, यू थीरिया मतलब कौन, हम क्या है, यूथीरिया है। मेमल्स है, मेमल्स में तीन कैटेगरी होती है, एक यूथीरिया, एक मेटाथीरिया, एक प्रोटोथीरिया, नाम सुने होंगे। और मेमल्स में कितनी कैटेगरी होती है, तीन, एक यूथीरिया, एक मेटाथीरिया, एक प्रोटोथीरिया। यूथीरिया में कौन आते हैं, उसमें हम आते हैं ह्यूमन, हमारे एब्स कपी आते हैं और मंकी बंदर आते हैं, क्लियर। मैंने कहा मेटाथीरिया में कौन आता है, मार्सुपियंस कंगारू आते हैं, कौन आते हैं, कंगारू। प्रोटोथीरिया में कौन आता है, इक्टिना प्लेटिपस। और समझे समझे बोलो, क्या बोल रहा हूं उसको ना कुछ समझ में आया, मेटाथीरिया कंगारू का नाम सुना क्या, तो नहीं सुना, और कंगारू का नाम सुना नहीं सुना, सुना है ना, मार्सुपियंस कहते हैं नहीं कहते, बोलो। अच्छा तीन वर्ड और होता है, एक ओवी पेरस, एक वीवी पेरस, एक ओवी वीवी पेरस। ईमानदारी से बताना अपन क्या है, ओवी पेरस है, वीवी पेरस है, ओवी वीवी पेरस है। कुछ धीमी धीमी आवाज से ओवी पेरस बोल रहे हैं। और भाई हम अंडा देते हैं क्या, अरे जो अंडा देने वाले होते हैं उनको ओवी पेरस बोलते हैं, जो बच्चा पैदा करते हैं उनको वीवी पेरस कहते हैं, जो अंडा कम बच्चा, बच्चा कम अंडा, उन्हें ओवी वीवी पेरस कहते हैं। कंगारू, बोलो आपसे थैली होती है लटकी हुई, उसमें फिर बोलो थोड़े दिनों बाद वो बच्चा बाहर आता है, और समझे समझे वो ओवी वीवी पेरस है। बोलो बात समझ, क्या बोला, कुछ समझ में आया, बोलो आपको, इधर आ जाओ। ये वर्ड अभी मैं बोलूंगा, इसलिए यूथीरिया लिखा, यूथीरिया मतलब आप मन ही मन में क्या समझ गए, ह्यूमन, वुमन मतलब मनुष्य, क्लियर। अच्छा मेल फीमेल, अरे मैं जितने भी एग्जाम्पल लिखूं सभी में फीमेल ही, क्योंकि एक की बात कर रहा हूं ना, बात समझ में आई, इधर आ जाओ। छोटी छोटी बातें सिखाना बहुत जरूरी है, और समझे समझे बोलो। अच्छा इधर आ जाओ कोई बात नहीं, हो जाता है, बट बड़ी गलती है, छोटी गलती नहीं है। अरे बोलो समझे समझे, मैं इसमें कुछ भी बोलू, एग्जाम्पल मेंढक बोलूंगा तो मेंढकी होगा, मेंढक होगा, लिखूंगा तो फ्रॉगी, मतलब ये तो आपको अंडरस्टैंडिंग सी बात है,
मैं जब भी इसमें एक के क्लासिफिकेशन में किसी का भी एग्जांपल लिखूं, चाहे एवीज का लिखूं, चाहे रेप्टाइल्स का लिखूं, चाहे प्रो एम्फीबियंस का लिखूं, चाहे इंसेक्ट का लिखूं, हमेशा माइंड में क्या होना चाहिए, फीमेल। मेल फीमेल बोला नहीं जाता है, अंडरस्टैंड सी बात है ना। बोलो एक बढ़ा रहा हूं, बोलो बात समझ में है। अभी जमुना इतना भी नहीं बदला है, इधर आ जाओ। क्या बोला मैंने आपको, समझ में आया? बोलो ठीक है। माइक्रोलेसितर मीनिंग तो समझ गए। बोलो मैंने लिखा मेटाथीरिया, क्लियर? मेटाथीरिया, बोलो मेटाथीरिया। अच्छा एग्जांपल, मेटाथीरिया का मतलब कौन है? कंगारू। कंगारू मतलब मार्सुपियल, समझ गए? बोलो आपको। अच्छा इधर आ जाओ। मैंने कहा मीजोलेसितल, एग्जांपल कौन है? फ्रॉग। समझ गए? बोलो फ्रॉग मतलब क्या लिखूंगा मैं? बोलो लिखूंगा तो ऐसे ही बोलो, अर्मेंडा। क्लियर? इधर आ जाओ। मेगालेसितल पूछे, माइक्रोलेसितल पूछे, पॉलीलेसितल पूछे, एक से एग्जांपल क्या है इधर देखो। ठीक है, मैंने कहा यहां पर नंबर वन बोलो प्रोटोथीरिया। ठीक है, प्रोटो प्रोटो प्रोटोथीरिया। ओके, प्रोटोथीरिया मतलब कौन होता है? इकिडिना प्लेटी, बोलो प्लेटी प्लेटीपस। कभी ना कभी लाइफ में ये नाम सुने नहीं सुने, बोलो इकिडिना प्लेटीपस सुने? बोलो प्रोटोथीरिया होता है। क्लियर? अच्छा प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया में किस बात का अंतर है? ये ऐसे मेमल्स होते हैं जो ओवीपेरस होते हैं, ये ऐसे मेमल्स होते हैं जो ओवीविविपेरस होते हैं, ये ऐसे मेमल्स होते हैं जो विविपेरस होते हैं, बच्चे को पैदा करते हैं। क्लियर? ये अंडा देते हैं। बोलो बात समझ? और फाइनली तो बाद में बच्चा सब में आएगा ही आएगा, और समझे ही समझे। बोलो अच्छा इधर आ जाओ। नंबर टू, मैंने एक लिखा प्रोटोथीरिया, क्लियर? दूसरा क्या लिख रहा हूं? मैंने लिखा बोलो आपसे मैं कह रहा हूं रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप लिखो चलेगा? सरीसृप हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स। ठीक है, तीसरा मैंने कहा बोलो पक्षी, पक्षी मतलब एवीज लिखूंगा चलेगा? बोलो। और मैंने लिखा यहाँ पर कीट मतलब इंसेक्ट। ठीक है, इन सब का एक इस बेसिस पर इस टाइप का होता है। बात समझ में? पहला क्लासिफिकेशन समझ में आया? बोलो आपको। और ये मतलब आगे मेरी चार पांच क्लास का बेस बना रहा हूं मैं। बोलो बात समझ ना, पूरी कहानी आगे की इसी बेसिस पे चलेगी। मतलब मैं कहीं पर भी बोलूं मेगालेसितल एक, आपके माइंड में आना चाहिए मेगालेसितल एक क्या होता है और किस में होता है। बात समझ ना? ओके, तो आप पहले इतना नोट करोगे। ये मैं लिखता हूं आपको पता चल जाता है? बोलो ठीक। ठीक है, हो गया? ये तो तीन बेस बताए थे, ये पहला क्लासिफिकेशन। ठीक है,
हो गया। ठीक हो गया। प्रोटोथीरिया, सरीसृप, पक्षी और कीट। इंग्लिश में प्रोटोथीरिया, रेप्टाइल्स, एवीज और इंसेक्ट। रेप्टाइल्स अपने सांप छिप के लिया, एवीज पक्षी सारे। अरे ये तो टर्मिनोलॉजी है ना। ठीक है, दूसरा क्लासिफिकेशन बताओ। पहला समझ में आया बोलो आपको। ठीक है, नंबर टू। नंबर टू क्या है? यॉर्क के वितरण के आधार पर, पहले बता दिया, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, बोलो आपसे मैं को यॉर्क। अगेन इस बेसिस में एक चार टाइप क्या होते हैं? बोलो ये अलग बेसिस है, वो अलग बेसिस है। ये बोलो बात सुनो ना। ओके, नंबर वन मैंने कहा आइसो लेसिथल एग, ठीक है, या इसको बोलते हैं होमो लेसिथल एग, हिंदी में बोलते हैं समपित्त की। ठीक है, अंडा। दूसरा है मॉडरेटली, मॉडरेटली टीलो लेसिथल एक, ठीक है, मध्यम। बोलो मैंने कहा मध्यम टीलो लेसिथल अंडा। ठीक है, तीसरा है डिस्कोइडल एग या हाईली टीलो लेसिथल एग। ठीक है, और सेंट्रो लेसिथल एक, केंद्र पित्त की, इसको डिस्क या बिंब पित्त की। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, इस बार बेसिस क्या है हमारा? वितरण के आधार पर, डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। तो आइसोलेसिथल और होमोलेसिथल में वो सारे एक जिनमें एक या तो योग है ही या है तो बहुत कम मात्रा में है, तो पूरे के पूरे अंडे में क्या रहेगा? बोलो रहेगा, पूरे पूरे अंडे में रहेगा। ठीक है, बात समझ में। एग्जाम्पल मैंने कहा ए लेसिथल
ए लेसी, बोलो मैंने कहा ए लेसिथल एग एंड माइक्रो लेसिथल एग। अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो भी चलता, और मैं यू थ्री और मेटा लीरिया लिख देता तो भी चलता। और बात तो ये कि नोट मत करो, समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये लिखा तो भी चलेगा, और यहां अगर मैं यू थ्री मेटा थ्री लिखता तो भी चलता ना, कि यू थ्री में कौन सा एग होता है एलेसिथल, मेटा थ्री में कौन सा होता है माइक्रो लेसिथल। क्लियर? अच्छा, मतलब योक पूरे पूरे एक में वितरित, ऐसे को क्या बोलते हैं आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल। मॉडरेटली टीलोलेसिथल किसको बोलते हैं, जिसमें ये एक है और ये थोड़ी मात्रा में क्या है बोलो योक है, ठीक है, मध्यम मात्रा में योक है और वो नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ऐसा किस में मिलता है, मैंने कहा मैं मीजोलेसिथल लिख दूं तो भी चलेगा, या मैं फ्रॉग लिख दूं तो भी चलेगा, क्योंकि फ्रॉग में मीजोलेसिथल होता है। और समझे नहीं समझे बोलो, क्लियर? अभी बताया था मैंने आपको, ताजा ताजा, ठीक है। इधर आ जाओ, डिस्कोइडल। डिस्कोइडल किसको कहते हैं, जिसके अंदर बोलो पूरे में क्या होता है एक योक होता है, केवल एक डिस्क में क्या होता है बोलो आपसे मेरे को साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म ये बिंदी करता हूं, ये बिंदी क्या है न्यूक्लियस, और बोलो एक भी तो एक सेल ही है ना, और समझे समझे बोलो, क्लियर। अच्छा, मैंने कहा सेंट्रोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल में क्या होगा ये एक है, इस एक के अंदर पूरे बीच के बड़े भाग में क्या होता है बोलो योक होता है। साइटोप्लाज्म केवल कहाँ रहता है, केवल कहाँ रहता है पेरिफेरल रहता है, ठीक है पेरिफेरल। ये क्या है बोलो, मैंने कहा साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब आप समझो, ये दोनों के अंदर एक में योक ज्यादा है, योक ज्यादा है, बोलो बात समझ में। तो मेरे कहने का मतलब ये दोनों टाइप किससे बने, पॉलीलेसिथल से बने, और वितरण में किससे बने पॉलीलेसिथल में। अब पॉलीलेसिथल में ये वाला टाइप किस किस में होता है, मैंने लिखा बोलो प्रोटो, बोलो मैंने लिखा प्रोटोथीरिया, क्लियर। मैंने लिखा रेप्टाइल्स, ठीक है, और मैंने लिखा एवीज, क्योंकि ये एकमात्र बोलो आप सब केवल ये किसका विशेषता है इंसेक्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब कितनी बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है कि केंद्र पित्त की सेंट्रोलेसिथल एक किस में होता है, क्योंकि ये केवल और केवल किस में होता है इंसेक्ट में होता है, बोलो बात समझ में। और ये दोनों इधर वाले में कौन से टाइप के थे बोलो मेगालेसिथल, और समझे समझे बोलो। और यहाँ वितरण में ये वाला तो है सेंट्रोलेसिथल और ये है डिस्कोइडल। पहले बताओ नाम समझ में आया ही नहीं है, इसका नाम क्या है सेंट्रोलेसिथल। नाम देखते ही दिमाग में आना चाहिए योग कहां पर होगा सेंटर में होगा। नाम क्या है डिस्कोइडल, इसका मतलब योग बहुत ज्यादा होगा और ऊपर क्या होगी डिस्क होगी, और समझे समझे बोलो। मैंने कहा मॉडरेटली टीलोलेसिथल, ओके योग कम होगा नीचे होगा, बात समझ में आया बोलो। ये एनिमल बॉल होता है, वेजिटेटर बॉल होता है, क्लियर। और ये अगर थोड़ा होगा तो पूरे में ही होगा, और समझे समझे पहले बताओ सेकंड वाला समझ में आया नहीं क्लासिफिकेशन। और ये फिर अगेन क्लासिफिकेशन बताया ना, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये वाला नोट करोगे। जैसा नाम वैसा मीनिंग, और मैंने आपको डायग्राम बना दिया वैसे मीनिंग समझ में आ गया बोलो।
ओके हो गया आ जाए तीसरे क्लासिफिकेशन में। बोलो दो क्लासिफिकेशन समझ में आया बोलो आपको। हटा दो तीसरा कौन सा है बोलो। मैंने कहा कवच की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर, ठीक है, क्या बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस या एब्सेंस एब्सेंस ऑफ सेल, ठीक है। इस आधार पर एक दो प्रकार का होता है, कितने टाइप का, दो, एक क्लीडोइक और एक नॉन क्लीडोइक एक, एक क्लीडोइक एक मतलब कवच युक्त अंडा और एक नॉन क्लीडोइक एक, ठीक है, कवच रहित अंडा। अब आप समझो, इधर ध्यान दो, ऐसे एक जिन पर कैल्शियम कार्बोनेट CO3 का कवच सेल उपस्थित होता है वो क्लीडोइक होंगे और जिन पे नहीं होता वो क्या होंगे, नॉन क्लीडोइक होंगे। इधर ध्यान दो, मैंने कहा नाम से पता चल रहा है क्लीडोइक मतलब क्या बोला, क्लीडोइक मतलब आपसे मैं कवच युक्त अंडा, ये क्लीडोइक, ठीक है, और ये क्या है, नॉन क्लीडोइक एक, ठीक है, अंडा। बताओ क्लीडोइक की क्या विशेषता है, सेल प्रेजेंट के एब्सेंट, प्रेजेंट, नाम से पता चल गया बोलो। अच्छा मैंने कहा सेल यानी कवच एक पर उपस्थित और इधर क्या होगा, सेल मतलब कवच एब्सेंट, ठीक है, बोलो एब्सेंट। अच्छा अब इधर ध्यान देना, मैंने कहा दिमाग में आता जितने भी ओविपेरस है जो पहले अंडा देते हैं फिर 4-5-7 दिन बाद उसमें से बच्चा निकलता है, वो तो सभी इसी टाइप के होंगे, पापा सुनो क्या बता रहा हूं, सभी इसी टाइप के होंगे। आपने अपनी लाइफ में आज तक पक्षियों के अंडे देखे, अरे अंडे देखे होंगे ना, क्लिक क्लिक क्लिक, क्या बोल रहा हूँ मैं समझ रहे बोलो, अरे अंडा देखा कभी, उसमें टक टक करोगे तो कड़क कड़क होगा, वो क्या है, क्लीडोइक है, कवच युक्त है, समझ गए बोलो। इसका मतलब हुआ एग्जाम्पल में क्या कर रहा हूं, मैंने कहा बोलो रेप्टाइल्स करूंगा चलेगा, एवीज करूंगा चलेगा,
इंसेक्ट करूंगा चलेगा, प्रोटोथीरिया करूंगा चलेगा, क्योंकि सब ओविपेरस होते हैं। तो मैंने कहा बोलो ऑल ओविपेरस, लेकिन एक्सेप्ट बोलो फ्रॉग, वेरी इंपॉर्टेंट। मेंढक 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 अंडा देता है, फिर भी वो नॉन क्लीडोइक होता है। रीजन क्या है कि मेंढक जो होता है वो अंडा पानी में देता है, ध्यान से समझना। लेकिन मेंढक की जो एग होता है उसकी जो टर्सरी एग मेम्ब्रेन है, बार वाली एग मेम्ब्रेन को टर्सरी बोलूंगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन या तो होता प्राइमरी सेकेंडरी या होता प्राइमरी टर्सरी। फ्रॉग में अंदर प्राइमरी और टर्सरी होता है, तो जो बार वाली एग मेम्ब्रेन होता है उसका नाम होता है जेलीकोट। क्या होता है? जेलीकोट, क्लियर। और वो जल प्रतिकर्षी होती है, वो हाइड्रोफोबिक होती है, इसलिए उसमें कवच की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो ओविपेरस में एकमात्र मेंढक ऐसा है जो ओविपेरस है, फिर भी वो कैसा है? नॉन क्लीडोइक। इसलिए मैंने ये लिख करके क्या लिख दिया? ऑल ओविपेरस एक्सेप्ट फ्रॉग, क्लियर। अच्छा, मुझे कोई पूछे नॉन क्लीडोइक सेल एब्सेंट, एग्जांपल में क्या लिख दूं? बोलो आपसे मेरे को यूथीरिया, क्लियर, मेटाथीरिया। अच्छा, यूथीरिया लिखूं मतलब मनुष्य लिखूं चलेगा, मेटाथीरिया लिखूं मतलब कंगारू लिखूं चलेगा, उसके साथ क्या लिखेंगे बोलो? फ्रॉग। फ्रॉग कैसा होता है? ओविपेरस, फिर भी उसका अंडा कैसा होता है? नॉन क्लीडोइक। बोलो बात समझ में? ये तो मैंने यहां पर आपको बता दिया। अब यहां पर एक स्पेशल नोट करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि फ्रॉग, मैंने कहा फ्रॉग ठीक है, मेंढक, ओविपेरस, ये ओविपेरस विविपेरस वर्ड बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? बोलो। अरे मतलब आप सोचोगे चौथी पांचवी क्लास के शब्द है ये। बोलो, जब छोटी कक्षाओं में पढ़ते हो ना तो यही पढ़ाया जाता है कि ओविपेरस विविपेरस। ओविपेरस का मतलब है अंडे देने वाले, विविपेरस का मतलब बच्चे देने वाले। बोलो बात समझ में? तो मैंने कहा फ्रॉग ओविपेरस ठीक है, बोलो आपसे मेरे को होता है, होता है, फिर भी आपसे मेरे को उसका एक नॉन क्लीडोइक बोलो आपसे मेरे को कवच रहित ठीक है, होता है क्योंकि बोलो इसके एक बोलो आपसे मेरे को के बाहर तृतीयक अंड झिल्ली ठीक है, अंड झिल्ली, तृतीयक अंड झिल्ली मतलब टर्सरी एक मेम्ब्रेन ठीक है, एक मेम्ब्रेन बोलो जेलीकॉट ठीक है, नाम है उसका जेलीकॉट ठीक है, कौन सी होती है बोलो? जेलीकॉट ठीक है, जेलीकॉट होती है जो कि जल प्रतिकर्षी ठीक है, जल प्रतिकर्षी का मतलब समझ के बोलो, पानी को पास आने देगी दूर जाने देगी ठीक है, हाइड्रो आपसे मेरे को फोबिक ठीक है, बोलो हाइड्रोफोबिक, जल प्रतिकर्षी होती है ठीक है, इसलिए इसमें आपसे मेरे को बोलो एक पर सेल कवच की रिक्वायरमेंट आवश्यकता बोलो आवश्यकता ठीक है नहीं होती है। आपको मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई बोलो? क्लियर। अगर मुझे फ्रॉग के एक की संरचना बनानी हो तो अब आप इजीली बना सकते हो, कैसे? क्योंकि आपने सारे टाइप पढ़ लिए। इधर देखो, ध्यान से समझना, मैंने आपसे कहा कि मुझे फ्रॉग का एक बनाना है, मेरे दिमाग में है फ्रॉग में मात्रा के आधार पर मेसोलिसिथल है, वितरण के आधार पर बोलो आपसे मेरे को वितरण के आधार पर मॉडरेटली टीलोलेसिथल है, ओके, तो मैं ये फ्रॉग का एक बना पा रहा हूं क्लियर, फ्रॉग का एक बना पा रहा हूं, और
और बोलो और, ये मैंने फ्रॉग का एक बना दिया। कैसे बनाया समझ में आया बोलो, क्योंकि मुझे बेसिक चीज क्लियर हो गई कि ये कौन होगा यॉक, ये कौन होगा साइटोप्लाज्म, ये कौन होगा न्यूक्लियस, ये कौन होगी प्राइमरी एक। बोलो आपसे मैं करूं कौन सी होगी, बोलो बोलो, मैंने कहा बोलो प्राइमरी, प्राइमरी एक मेम्ब्रेन। बोलो ये कौन होगी टर्सरी, टर्सरी एक मेम्ब्रेन। बोलो बात समझ में आए, ठीक है। प्राइमरी एक मेम्ब्रेन का नाम होता है वाइटलाइन मेम्ब्रेन, क्लियर। टर्सरी एक मेम्ब्रेन का नाम है इसमें जेली कोट, क्लियर। बात समझ में आई बोलो, अच्छा इसको मैंने टर्सरी बोला, मतलब मीनिंग समझ गए। जेली कोट का निर्माण कौन करेगा, ओविडक्ट करेगी। छोटी छोटी बातें लॉजिक समझना। इसको मैंने प्राइमरी क्यों बोला, क्योंकि इसका निर्माण ये खुद ही करता है। बताओ ये किसकी संरचना हो गई, फ्रॉग की एक ही हो गई। और समझे ही समझे बोलो, मेरी बात समझ में आए, मैं क्या बताना चाह रहा था समझ में आया गया। क्या इसके ऊपर कवच होगा क्या नहीं होगा, मुर्गी में होगा, पक्षियों में होगा, हर ओविपेरस में होगा, वरना सुरक्षा कैसे रहेगी। और समझे समझे बोलो, क्लियर। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझ में आए, पक्षी उस अंडे पे बैठता है, उसको हीट देता है। बोलो चार पांच दिन में क्या होता है, उस हीट की वजह से अंदर बच्चा ग्रो करता है, और ग्रो करने के बाद उस सेल कोट को फाड़ करके बाहर आ जाता है। यही प्रोसीजर होता है। और समझे समझे, इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जेली कोट बोलो खुद अपने आप में जल प्रतिकर्षी होती है। और समझे नहीं समझे बोलो, क्लियर। अच्छा आपको ये तीसरा क्लासिफिकेशन समझ में आया बोलो, और समझे नहीं समझे बोलो, नोट करोगे। मैं समझाऊंगा तो ही फंडे क्लियर होंगे आपके, बोलो समझे समझे। अच्छा ये हटके, मतलब मैंने कहा फ्रॉग इंपॉर्टेंट क्यों हुआ समझ में आया बोलो, क्योंकि फ्रॉग ओविपेरा से फिर भी नॉन क्लीडोइक है, ठीक है। आज के आज तीनों क्लासिफिकेशन क्या कर डालने हैं, याद। और समझे समझे बोलो, क्लियर। किसी से भी पूछ सकता हूं मैं, बोलो ये जो आपकी क्लास है जिसमें क्लासिफिकेशन पूरा बेस है, ठीक है। विविपेरस ओविपेरस वर्ड सुने होंगे ना, विविपेरस मतलब जरायुज, ओविपेरस मतलब अंडज, समझ रहे हो ना बोलो। ठीक है,
सभी अंडे देने वाले केवल मेंढक को छोड़कर, रेलिका ऑल ओविपेरस एक्सेप्ट फ्रॉग। ठीक है, हो गया नोट? बोलो। वाइटलाइन मेम्ब्रेन को प्राथमिक झिल्ली कहते हैं, जेली कोट, जेली कोट को तृतीयक झिल्ली कहते हैं। ये प्राथमिक तृतीयक समझोगे? बोलो। आज की कहानी समझ में आई? बोलो आपको। अरे समझे समझे। अब हमारा फर्टिलाइजेशन कल स्टार्ट करेंगे। कहानी समझ में आई? बोलो आपको। गैमेटोजेनेसिस मैंने आपको पढ़ाया, गैमेटोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस सारी काम की चीजें आती है। ठीक है, ये क्या लिखा समझ में आया? फ्रॉग ओविपेरस होता है फिर भी उसका एक नॉन क्लीडर कवच रहित होता है क्योंकि इसके एक के बाहर तृतीयक अंड झिल्ली टर्सरी एक मेम्ब्रेन जेली कोट होती है जो कि जल प्रतिकर्षी बोलो मैंने कहा हाइड्रोफोबिक होती है, इसलिए इसमें इसके एक पर सेल कवच की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है।